तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंग की, कि स्ट्रेंग की कितने टाइप्स हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर वन और लेक्चर टू रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन तो वैसे ही ज़रूरी होता है। और फिर थ्योरी अपर टू मैटा में रिवीजन, थ्योरी अपर टू मैटा में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी अपर टू मैटा में अगर आप दो काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, एक रिवीजन और दूसरा आप प्रैक्टिस। जितना आप खुद को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो लेक्चर वन के अंदर हमने बात की थी कि व्हाट इज़ थ्योरी अपर टोमेटा, थ्योरी अपर टोमेटा है क्या बेसिकली, एंड व्हाई वी स्टडी इट, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट, तकरीबन चार पांच नाम थे उस सब्जेक्ट के, और एब्स्ट्रैक्ट मशीन के। एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है थ्योरी अपर टोमेटा में, हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मशीन को स्टडी कर रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है, थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। तो ये लेक्चर वन के अंदर हमने स्टडी किया था। अब लेक्चर टू के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, अब उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर टू के साथ रिलेटेड है। लेक्चर टू में हमने पढ़ाया था लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी। सो लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज़ में क्या था, लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज़ में था लेटर, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज और वर्ड्स। लेटर क्या है, लेटर हमने कहा था सैम्बल्स होते हैं, ए बी सी अप टू जेड एंड 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो कि हम लैंग्वेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट लैंग्वेज के लिए एक लिमिट सा डिफाइन कर रहा है कि हम कितने लेटर से ये लैंग्वेज बनाएंगे। फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने कहा था कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए मैं आज का टॉपिक आज का जो टॉपिक है और आज का जो वीडियो है स्ट्रिंग पे बना रहा हूँ। स्ट्रिंग क्या था, कंकैटिनेशन ऑफ दीज लेटर, कि लेटर्स को साथ जोड़ ली, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। फिर हमने कहा था लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, ठीक है। और फिर वर्ल्ड, वर्ल्ड हमने कहा था कि ये जो स्ट्रिंग पे जो रूल्स अप्लाई हो रहा है और जो रूल्स फॉलो कर रहा है उसको हम वर्ल्ड कहते हैं। इस लैंग्वेज में जो रूल्स फॉलो हो रहा है उसको हम वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग और वर्ड्स में फ़र्क भी है कि स्ट्रिंग हर एक को कहा जाता है और वर्ड उसको कहाँ कहेंगे हम जो कि रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग की बात करेंगे कि स्ट्रिंग के कितने टाइप्स हैं। पहले हम बात करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग की। पहला टाइप है एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग दैट हैज़ नो लेटर, मतलब इस तरह स्ट्रिंग भी हो सकता है जिसमें कोई लेटर नहीं हो, या इसको हम नल स्ट्रिंग भी कहते हैं, नल स्ट्रिंग। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई दीज थ्री सिंबल, ठीक है। एप्सिलॉन सी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा सी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिंबल सी भी। एंड इट्स लेंथ हैज़ ज़ीरो, इसका लेंथ ज़ीरो होगा, ठीक है। बस जब हम इसको लिख देंगे तो इस तरह हम लिखेंगे, ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका लेंथ ज़ीरो है। तो ये हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग। और अब दूसरा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से क्या मतलब है, इट इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में कितने लेटर्स होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स को ये डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग हमने कहा था कंकैटिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, तो ये हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं तकरीबन दो तीन तरीक़ों से। इसी भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडुलस एस, सिर्फ ऐसी भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ एन टू एस। मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया एस इज इक्वल टू ए बी ए बी, ठीक है। तो इसका मैं अब लेंथ मालूम कर रहा हूँ, तो हमने कहा था सिंपली द नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब जितनी लेटर्स होगी लेटर्स की तादाद को ये डिफाइन कर रहा है। तो लेटर्स इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। सो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया, अब यहाँ पे चार, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एस इज इक्वल टू फोर, या लेंथ ऑफ दिस ऑल स्ट्रिंग इज इक्वल टू फोर, बहुत आसान है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। थर्ड नंबर टाइप है स्ट्रिंग का रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। जाहिर है नाम से ही जाहिर है कि
हम स्ट्रिंग को रिवर्स आर्डर में लिखेंगे। इट इज़ ऑब्टेंड बाई राइटिंग लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग एंड रिवर्स आर्डर। स्ट्रिंग को आप रिवर्स आर्डर में लिखे, ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग हो गया। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग या एस पावर आर, ठीक है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग या पूरा रिवर्स लिख के इस तरह हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ एस इज इक्वल टू ए बी ए बी, इसका मैं अब रिवर्स ले रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स एस इज इक्वल टू बी ए बी ए, ठीक है, बी मैंने पहले लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया। देखिए यहाँ पे ए बी था, यहाँ पर बी ए हो गया, तो ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग था। अब चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एक और टाइप्स की, जो जिसका नाम है पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, पावर ऑफ अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है? डिटरमाइंस दैट द स्ट्रिंग मेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट विल बी लेंथ इक्वल टू द पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। मतलब अल्फ़ाबेट की लेंथ कितनी होगी? जितना अल्फ़ाबेट का पावर होगी उतना ही लेंथ होगा। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। फार्मूला क्या है? एन पावर एम, इसका फार्मूला है। एन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, और एम का मतलब होता है लेंथ या पावर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट हमने कहा था एप्सिलॉन सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें हमने दो लेटर्स लिए हैं, ठीक है, ए बी, और इस पे होल स्क्वायर लिए हैं, तो इसका पावर कितना है? टू। तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी? लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट टू होगी, ठीक है। देखिए ए ए बी बी ए बी बी, और फार्मूला इसलिए है कि लेंथ तमाम जो अल्फ़ाबेट है इसमें कितने बन गया, तमाम जितने भी स्ट्रिंग इसमें कितने बन गए। तो इसका फार्मूला मैंने बताया, एन पावर एम, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट एंड लेंथ या पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। देखिए इसमें कितने लेटर्स थे इस अल्फ़ाबेट में? टू, और पावर कितना था? टू। सो टू के पावर टू इज इक्वल टू फोर। सो देखिए वन टू थ्री फोर, फोर स्ट्रिंग बन गई। अब इस तरह आप और भी लिख सकते हैं, टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट एंड सो ऑन। तो ये हो गया पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। हम पाँचवें नंबर पर मैं बात करूँगा पावर ऑफ स्ट्रिंग की। पावर ऑफ स्ट्रिंग से क्या मुराद है? यहाँ पर तो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, यहाँ पर है पावर ऑफ स्ट्रिंग। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? इट्स डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के लेंथ को जाहिर कर रहा है, ठीक है, कि स्ट्रिंग की तादाद कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ बी ए बी, और इस पर ले लिया होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई। देखिए बी ए बी एक बार मैंने लिख दिया, बी ए बी दूसरे बार, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये तो ब्रैकेट का मतलब होता है तमाम के ऊपर, सही है, और फॉर एग्जांपल मैं एक के ऊपर ले रहा हूँ बी ए बी, एक के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ए मैं दो बार लिख दूंगा, ठीक है। देखिए बी ए दो बार लिख दिया, फिर बी, या इस तरह मैं बी के ऊपर ले रहा हूँ स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर ए बी, सो बी मैं दो बार लिखूंगा और ए बी अपनी जगह पे। तो ये हो गया पावर ऑफ स्ट्रिंग। तो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट और पावर ऑफ स्ट्रिंग में ये फ़र्क है सिर्फ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। तो ये पांच टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग है और आपने उसको याद करना है। तो अभी इस लेक्चर में मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंसीडर द लैंग्वेज एज स्टैटिक, वियर एस इज इक्वल टू ए बी। कंसीडर द लैंग्वेज एज स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए ऐसे मुराद हरगिज स्ट्रिंग नहीं है। हम स्ट्रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग यहाँ पर इसे मुराद स्ट्रिंग नहीं है, इससे मुराद यहाँ पर लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे एल बी लिख सकता हूँ, वियर हमारे पास लैंग्वेज क्या होगा? ए बी, मतलब हमारे पास जो लैंग्वेज बन जाएगा वो हो दो अल्फ़ाबेट से बन जाएगा या दो लेटर से बन जाएगा, ए और बी से। सो कहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स डस दिस लैंग्वेज हैव ऑफ लेंथ टू, ऑफ लेंथ थ्री, ऑफ लेंथ एन। कहते हैं कि लेंथ टू इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज से लेंथ टू के कितने वर्ड्स बनेंगे, लेंथ थ्री और लेंथ एन के। तो देखिए पावर ऑफ अल्फ़ाबेट में हमने फार्मूला कहा था कि फार्मूला क्या होगा,
एन पावर एम, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, और एम का मतलब होता है पावर या लेंथ। तो देखिए हमारे पास लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट क्या कितने हैं, एस इज इक्वल टू ए बी दो, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू टू। एन क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, दो। और एम का मतलब क्या होता है, पावर, हम पहले लेंथ ऑफ टू की बात करते हैं, तो एम क्या जाहिर कर रहा है, पावर, पावर हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, लेंथ ऑफ टू, टू, ठीक है, तो क्या होगा, टू पावर टू, टू पावर टू इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे चार वर्ड्स बनेंगे। अब लेंथ थ्री के हम अगर बात करें, लेंथ थ्री वही सेम फार्मूला है, लेंथ थ्री में क्या होगा, अल्फ़ाबेट तो वही, लेटर्स तो वही सेम है अल्फ़ाबेट में, ठीक है, दो, तो एन इज इक्वल टू टू, सिर्फ लेंथ या पावर यहाँ पे थ्री हो गया टू के बजाय, सो टू पावर थ्री, टू पावर थ्री क्या आ जाता है, इज इक्वल टू एट, एट वर्ड्स बनेंगे यहाँ पर। अब लेंथ, लेंथ एन की अगर हम बात करें, तो लेंथ एन अल्फ़ाबेट में लेटर्स तो वही सेम है टू, तो एन क्या होगा टू, लेकिन पावर यहाँ पे चेंज हो गया टू और थ्री से एन को, एन का मतलब कितनी भी आप ले सकते हैं, सो टू पावर एन, टू पावर एन हो गया। अब टू पावर फोर अगर ले ले तो 16 आ जाएगा, इसी तरह टू पावर एन का मतलब ये हो गया, एन से मतलब आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है।